हेलो दोस्तों, तो फाइनली इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम को हरा दिया है बेहतरीन तरीके से। और कमाल की बात है कि ये मैच कोई बहुत टक्कर का मैच नहीं हुआ, बल्कि इस मैच में इंग्लैंड ने बड़ी आसानी से वेस्टइंडीज को हरा दिया है, वो भी ढाई ओवर पहले 8 विकेट शेष रहते हुए। शानदार खेली इंग्लैंड की टीम। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी इंग्लैंड की टीम के अगले मुकाबले से, जो होने वाला है साउथ अफ्रीका से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु सर का मैनेजर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, सुपर 8 का ये जो मुकाबला है खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच। ग्रुप 2 की ये दोनों ही टीमें हैं। 21 जून रात को 8 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये मैच खेला जाएगा और वेन्यू रहेगा डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि वेस्ट इंडीज में है। तो दोस्तों, इस मैच में कौन सी टीम मैच जीतने वाली है, क्या होगा हमारा प्रेडिक्शन, इसके पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों ही टीम के प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के बारे में, जिस वेन्यू पर मैच होना है उसकी रिपोर्ट के बारे में और उसकी एक एनालिसिस के बारे में, साथ ही साथ दोनों टीम्स के अभी तक के हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि जिस वेन्यू पर ये मैच खेला जाएगा वहां पर खेले गए पिछले कुछ मैचेस का रिकॉर्ड कैसा रहा। तो भाइयों, इसी वर्ल्ड कप में 16 जून 2024 को जो मैच हुआ था स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड ने बेहतरीन स्कोर खड़ा किया था 180 रन का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसे आराम से चेस कर लिया था और 5 विकेट से ये मैच जीत लिया था। जो अगला मैच हुआ था श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड 17 जून को इसी ग्राउंड पर, जहां श्रीलंका ने स्कोर खड़ा किया था 201 रनों का, लेकिन नीदरलैंड की टीम 118 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद अगला जो मैच हुआ था 20 जून 2024 को, वेस्ट इंडीज ने स्कोर किया था 180 रन और इंग्लैंड की टीम ने 181 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया था 8 विकेट से। जी हाँ, ये मुकाबला सुपर 8 का मुकाबला था वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच, जिसकी हमने वीडियो के शुरुआत में बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इस वेन्यू की अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी तक इसका जो एवरेज स्कोर रहा है इस मैदान पर 162 रन, इसके बाद हाईएस्ट स्कोर की अगर हम बात करें तो 218 रन इस ग्राउंड का हाईएस्ट स्कोर है और 105 रन इस ग्राउंड का लोएस्ट स्कोर है। इसके अलावा इस वेन्यू पर अभी तक खेले गए हैं कुल 21 T20 इंटरनेशनल मैचेस, जिनमें से 11 मैच जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम और 10 मैच जीती है चेस करने वाली टीम। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो अभी तक 150 से नीचे 7 बार स्कोर देखने को मिला है, 150 से 169 के बीच 4 बार स्कोर देखने को मिला है, 170 से 189 के बीच 3 बार और 190 के ऊपर का स्कोर 7 बार देखने को मिला है। यानी कि इस ग्राउंड पर अच्छे खासे हाई स्कोरिंग मैचेस जनरली देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दोनों ही टीम्स के बीच अभी तक के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो पिछले 10 मैचेस का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड हम देखने वाले हैं, यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने जीते हैं 4 मैच और इंग्लैंड की टीम ने जीते हैं 6 मैच, यानी कि इस कंपैरिजन में इंग्लैंड की टीम 2 मैच आगे चल रही है। इसके बाद नजर डालेंगे पिछले 5 मैचेस पर, जो दोनों ही टीम्स ने किसी और टीम के अगेंस्ट अपने पिछले 5 मैचेस खेले हैं। तो साउथ अफ्रीका ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में से 1 मैच हारा है, बाकी के चारों मैच जीते हैं दोस्तों। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो 5 में से ये भी सिर्फ 1 मैच हारे हैं, 4 मैच जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दोनों ही टीम की प्रिडिक्टेड 11 के बारे में। तो ये रहे इंग्लैंड के वो सभी खिलाड़ी जो इस मैच में ग्राउंड में हमें देखने को मिलने वाले हैं। एक बार इस लिस्ट को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम सभी खिलाड़ियों की बात ना करते हुए स्पेशली उन प्लेयर्स की बात करेंगे जिनका परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैचेस में शानदार रहा, जो होने वाले हैं इस मैच में की प्लेयर्स। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिलिप सॉल्ट की। अगर हम बात करें तो सुपर 8 के मैच में इन्होंने जो 87 रन की पारी खेली है बहुत शानदार थी। जी हाँ, जिस फॉर्म का इंतजार इंग्लैंड कर रही थी, जिसके लिए ये खिलाड़ी जाना जाता है, उस फॉर्म में ये वापस लौट चुका है। तो हो सकता है कि इस मैच में एक बार फिर से ही खतरनाक साबित हो। इसके बाद कैप्टन जोस बटलर की अगर हम बात करें तो कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाई फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन पिछली जो पारियां हैं 42, 24, 25, काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन खिलाड़ी खतरनाक है। T20 में क्या कहर उन्होंने बरपाया है अभी तक इतिहास में, अच्छी तरह से हम सब उससे वाकिफ हैं। तो हो सकता है इस मैच में ये भी खतरनाक खिलाड़ी साबित हो जाएं। जॉनी बेयरस्टो की अगर हम बात करें तो पिछले ही मैच में जो 48 की पारी इन्होंने खेली थी सिर्फ 26 बॉल पर, बड़ी ताबड़तोड़ थी, जिसकी वजह से जल्दी इन्होंने टीम को जिताया। तो ये भी बढ़िया फॉर्म में है, तो ये भी रहेंगे इस मैच के की प्लेयर। इसके बाद हम बात करेंगे हैरी ब्रूक, जिनकी पिछली ये 2 पारियां अगर हम देखें तो ये भी फॉर्म में है, 47 बहुत अच्छी पारी इन्होंने खेली थी। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बैटिंग करने तक इनका नंबर नहीं आ पाया, लेकिन इसके पहले जो इन्होंने 47 की पारी उसके पहले वाले मैच में खेली थी वो बड़ी शानदार थी। तो इस खिलाड़ी का भी इस मैच में काफी इम्पैक्ट हो सकता है। और फिर अगर हम बात करें सैम करन की, तो बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए अभी दिखा रहे हैं, बैटिंग में बॉलिंग में दोनों जगह उनका बढ़िया कमाल चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस मैच में हो सकता है कि ये भी खतरनाक साबित हो जाए। तो इंग्लैंड की गेंदबाजी इंग्लैंड के लिए पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा एक सरदर्द बनी हुई है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर आंकड़े जो बयां करते हैं कि मार्क वुड ने ये जो 3 विकेट लिए थे पिछले मैच में, लेकिन अगले मैच में 36 रन देकर कोई सफलता नहीं मिल पाई। हर मैच में लगभग एक एक विकेट लेने वाले जोफ्रा आर्चर अभी तक इस वर्ल्ड कप में कोई बहुत खास कमाल नहीं कर पाए हैं। आगे हम बात करें आदिल रशीद की, तो पिछले 2 मैच में इनका भी कुछ खास नहीं रहा। इसके पहले जरूर इन्होंने 4 विकेट लिए थे एक मैच में, लेकिन जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हर बॉलर का एक मैच में एक बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई देता है, इसके बाद अगले 2-3 मैचेस में सूखा पड़ जाता है। वैसा ही कुछ नीचे अगर हम देखें तो रीस टॉपली के साथ हुआ है। 3 सफलताएं पहले मैच में मिली थी, इसके बाद 2-0-0 यानी कोई विकेट नहीं। चलिए एक बार नजर डालते हैं साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर। तो ये हैं वो सभी खिलाड़ी जो इस मैच में हमें दिखाई देने वाले हैं, एक बार इन्हें गौर से देख लीजिए। अब हम बात करेंगे इनमें से कुछ चुनिंदा प्लेयर्स की जो इस मैच में बहुत खास साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्विंटन डिकॉक, जिनके पिछले मैच की 74 रनों की ये पारी बड़ी शानदार थी, पूरे फॉर्म में है, हो सकता है इस मैच में ये भी खतरनाक साबित हो जाए। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आते हैं कप्तान एडन मार्करम। शुरू से वर्ल्ड कप इनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा था, लेकिन आखिरी में ये जो 46 इन्होंने बनाए, इससे हो सकता है इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। तो भाई इनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रहने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट ये मैच जीतना इनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद क्लासिन की अगर हम बात करें तो बहुत शानदार खिलाड़ी, पूरे फॉर्म में भी है, भले ही बीच में ये 2 पारियां छोटी छोटी देखने को मिली, लेकिन क्लासिन का क्लास हमेशा मेंटेन रहता है भाई। तो नोट कर लीजिएगा कि इस मैच में क्लासिन फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके बाद डेविड मिलर की अगर हम बात करें तो पिछली 2 पारियां इनके लिए काफी चैलेंजिंग रही जरूर है, लेकिन खिलाड़ी शानदार है, इसके पहले इन्होंने बढ़िया पारियां खेली हैं, तो इस मैच में हो सकता है कमबैक करने का इनके पास एक चांस हो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले खिलाड़ी की, जिनका नाम है केशव महाराज। लगभग हर मैच में इन्होंने टीम के लिए विकेट लिए हैं, सिर्फ एक मैच में कोई विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन इसके अलावा 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अटैक की तरफ से अगर हम देखें तो केशव महाराज उस ग्रुप में चर्चा में बने रहेंगे इस मैच में। आगे बढ़ते हैं कगिसो रबाडा की अगर हम बात करें तो 3 विकेट लिए हैं पिछले मैच में, और उसके भी पहले वाले मैच में इन्होंने 2 विकेट लिए थे 19 रन देकर, तो ये भी शानदार गेंदबाज है। इस मैच में इन पर भी नजर बनी रहेगी। इसके बाद अगर हम नोकिया की बात करें तो इनकी खास बात ये होती है कि हर मैच में इनको कम से कम 1 विकेट तो लेना ही है, इसके अलावा कभी 2 ले लेंगे, कभी 3 ले लेंगे, तो कभी 4 ले सकते हैं भाई। मैं रखना चाहूंगा टीम में, इनको काफी मजबूती मिलेगी, तो इस खिलाड़ी पर भी इस मैच में नजरें बनी रहेंगी। इसके बाद आखिरी तबरेज शमसी की अगर हम बात करें तो पिछले 2 मैच में इन्होंने भी 5 विकेट लिए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो है ये बैटिंग के कंपैरिजन में काफी बेटर है, काफी स्ट्रांग है। अभी तक के हर मैच में हमने यही देखा है कि बैटर्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बॉलर्स की दम पर साउथ अफ्रीका अभी तक इस वर्ल्ड कप में बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, ये थी साउथ अफ्रीका की टीम। दोनों टीम्स को हमने बखूबी देख लिया है इस पूरी एनालिसिस के बाद और सभी आंकड़े देखने के बाद। अब हम चलेंगे हमारे वर्डिक्ट यानी कि प्रेडिक्शन की तरफ। यूं तो ये मैच बड़ा कलरफुल मैच होने वाला है। मैच में हो सकता है कभी आपको लगने लगे इंग्लैंड ये मैच जीत रही है, कभी आपको लगे साउथ अफ्रीका ये मैच जीत सकती है, इसीलिए ओवरऑल कलरफुल मैच होगा। बट अकॉर्डिंग टू अभिमन्यु सर एंड हिज वर्क, अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग पर आती है तो ये मैच इंग्लैंड जीतेगी। आई रिपीट, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग पर आती है तो हम इंग्लैंड को सपोर्ट करने वाले हैं, और अगर इंग्लैंड चेस पर आती है तो हम हमारी विनिंग टीम आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे। दोस्तों उसका अपडेट यहाँ यूट्यूब पर आपको नहीं दे सकते, क्योंकि देखना होता है मैच शुरू होने के 1-2 ओवर का गेम, जिससे ये पता चल जाता है कि पिच पर बॉल की हरकत क्या है और किस टीम के फेवर में ये मैच जाने वाला है। तो भाई लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से फटाफट ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। इसके अलावा किसी भी मैच के दौरान उस ग्रुप पर लगातार एक्टिव बने रहें। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्रिकेट का लगभग हर मैच का प्रेडिक्शन, हर मैच के रिव्यूज आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, और सबसे अच्छी बात कि हमारे सभी प्रेडिक्शन 100% predictions अभी तक सही साबित हुए हैं दोस्तों, जो कि आगे भी वर्ल्ड कप में होते रहेंगे। तो चलिए आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।